हिंदू धर्म ग्रंथों में माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। इन्हें भगवान विष्णु की पत्नी और आदि शक्ति भी कहते हैं। धन समृद्धि के लिए लोग इनकी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन देवी लक्ष्मी सिर्फ एक नहीं बल्कि आठ हैं, और ये अलग अलग माध्यमों से अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसलिए धर्म ग्रंथों में अष्ट लक्ष्मी का उल्लेख किया गया है। ये अष्ट लक्ष्मी अपने नाम के अनुसार फल देती हैं। इसलिए आपको मनोकामना और सुख समृद्धि की चाहत के अनुसार ही देवी लक्ष्मी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको फल की प्राप्ति शीघ्र होती है। और आज इस वीडियो में हम इन्हीं अष्ट रूपों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे साथ बोलें जय माता दी। नंबर एक, आदि लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी का पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी का है। इन्हें मूल लक्ष्मी, आदि शक्ति भी कहा जाता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही सृष्टि के आरंभ में त्रिदेवों को प्रकट किया और इन्हीं से महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया। इन्होंने स्वयं जगत के संचालन के लिए भगवान विष्णु के साथ रहना स्वीकार किया। यह देवी जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करती हैं। इनसे जीवन की उत्पत्ति हुई है। इनके भक्त मोह माया से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इनकी कृपा से लोक परलोक में सुख संपदा प्राप्त होती है। नंबर दो, धन लक्ष्मी देवी। देवी लक्ष्मी का दूसरा स्वरूप है धन लक्ष्मी। इन्होंने भगवान विष्णु को कुबेर के कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए यह रूप धारण किया था। इस देवी का संबंध भगवान वेंकटेश से है, जो कि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। वेंकटेश रूप में भगवान ने देवी पद्मावती से विवाह करने के लिए कुबेर से कर्ज लिया था। इसी कर्ज को चुकाने में भगवान की सहायता के लिए देवी लक्ष्मी धन लक्ष्मी रूप में प्रकट हुई। इनके पास धन से भरा कलश है और एक हाथ में कमल फूल है। इनकी पूजा और भक्ति आर्थिक परेशानियों और कर्ज से मुक्ति दिलाती हैं। कर्ज से परेशान लोगों को देवी लक्ष्मी के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। नंबर तीन, धान्य लक्ष्मी देवी। धान्य का अर्थ है अन्न संपदा। देवी लक्ष्मी का यह स्वरूप अन्न का भंडार बनाए रखती हैं। इन्हें माता अन्नपूर्णा का स्वरूप भी माना जाता है। ये देवी हर घर में अन्न रूप में विराजमान रहती हैं। इन्हें प्रसन्न करने का एक सरल तरीका है कि घर में अन्न की बर्बादी ना करें। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं होता है, उस घर में यह देवी प्रसन्नता पूर्वक रहती हैं और अन्न धन का भंडार बना रहता है। नंबर चार, गजलक्ष्मी देवी। देवी लक्ष्मी अपने चौथे स्वरूप में गजलक्ष्मी रूप में पूजी जाती हैं। इस स्वरूप में देवी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है और इनके दोनों ओर हाथी सूंड में जल लेकर इनका अभिषेक करते हैं। देवी की चार भुजाएं हैं। इनमें देवी ने कमल का फूल, अमृत कलश, बेल और शंख धारण किया है। देवी गजलक्ष्मी को कृषि और उर्वरता की देवी माना गया है। राज को समृद्धि प्रदान करने वाली देवी होने के कारण इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा जाता है। यह संतान सुख भी प्रदान करती हैं। कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों और संतान की इच्छा रखने वालों को देवी के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। नंबर पाँच, संतान लक्ष्मी देवी। माता लक्ष्मी का पांचवा स्वरूप है संतान लक्ष्मी का। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी आदि शक्ति का पांचवा स्वरूप स्कंद माता का है, जो कि अपनी गोद में बालक कुमार स्कंद को बैठाए हुए हैं। माता संतान लक्ष्मी का स्वरूप स्कंद माता से मिलता जुलता है और यह देवी लक्ष्मी का पांचवा स्वरूप है। इसलिए स्कंद माता और संतान लक्ष्मी को समान माना गया है। संतान लक्ष्मी माता की चार भुजाएं हैं, जिनमें दो भुजाओं में माता ने कलश धारण किया है और नीचे के दोनों हाथों में तलवार और ढाल है। यह देवी भक्तों की रक्षा अपने संतान के समान करती हैं। इनकी पूजा से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। संतान के घर में सुख समृद्धि भी आती है। नंबर छह, वीर लक्ष्मी माता। अपने नाम के अनुसार यह देवी वीरों और साहसी लोगों के आराध्य हैं। ये युद्ध में विजय दिलाती हैं। इनकी आठ भुजाएं हैं, जिनमें देवी ने विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। माता वीर लक्ष्मी भक्तों की रक्षा करती हैं और अकाल मृत्यु से बचाती हैं। इनकी कृपा से सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। इन्हें माँ कात्यायनी का स्वरूप भी माना जाता है, जिन्होंने महिषासुर का वध करके भक्तों की रक्षा की थी। नंबर सात, विजय लक्ष्मी देवी। देवी का सातवां स्वरूप विजय लक्ष्मी का है। इन्हें जयलक्ष्मी भी कहा जाता है। इस स्वरूप में माता लक्ष्मी सभी प्रकार की विजय प्रदान करने वाली हैं। अष्टभुजी यह माता भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। कोर्ट कचहरी में जीत का मामला हो या फिर किसी क्षेत्र में आप संकट में फंसे हों,
तो आपको इस देवी के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। नंबर 8, विद्या लक्ष्मी देवी। शिक्षा और ज्ञान से समृद्धि प्रदान करने वाली देवी विद्या लक्ष्मी लक्ष्मी माता का 8वां स्वरूप है। इनका स्वरूप माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी से मिलता जुलता है। इनकी साधना से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की वृद्धि होती है। इनके साधक अपनी बुद्धि और ज्ञान से प्रसिद्धि पाते हैं। तो ये थे देवी लक्ष्मी के अष्ट रूप। आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।